ऑलराइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है सार्वेंद्र। और मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन ट्यूटोरियल्स डालता हूँ पिक्सार्ट के, फोटोशॉप के, और पीएनजी शेयर होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। उसके अंदर बहुत सारी पीएनजीज हैं, लाइक अराउंड 130 से भी ज़्यादा पीएनजीज हैं जो अवेलेबल है आपके लिए डाउनलोड के लिए, और आप उससे आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी कोई आप न्यू आर्ट क्रिएट करें तो मुझे टैग करें #sarvind इंस्टाग्राम पे, मैं ज़रूर चेकआउट करूंगा और अच्छी पोस्ट को मैं शाउट आउट भी देता हूं, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप 3000 पीपल्स हैं, पहले से ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने PEC फोटो एडिटिंग कॉम्पिटिशन 4। सो ये कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में इसका वो आया है रिस्पॉन्स की, यार अराउंड 1000 से भी ज़्यादा मेल आई हैं इस बार, तो मुझे चेक करने में बहुत टाइम लगा और रिजल्ट लाने में आप सबके लिए बहुत रहा। और इस बार लाइक 29 या 30 कंटेस्टेंट हैं जिनका पार्ट है, और जो भी विनर होगा वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे शाउट आउट होगा, तो आप जाके वहाँ ज़रूर चेक करें जो भी विनर होगा। सो और उसे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्ट क्रिएट करेगा। और जितने भी विनर्स होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप सबको। नीचे लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आप विनर लिस्ट में हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। सो स्टार्ट करते हैं PEC 4 को और लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। सबसे पहले PEC का फोल्डर खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे एडिट है, सबसे पहले AK एडिट्स। सो AK एडिट्स की मुझे जो कंसेप्ट की चीज़ अच्छी लगी वो ये है, ये है AK एडिट्स का कंसेप्ट। सो यहाँ पे आपने रिम लाइट बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखी है, लेकिन रिम लाइट एक पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस का ध्यान रखें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब आप एजेस पे क्रिएट करते हैं रिम लाइट, तो एक वाइट ब्रश से, फेदर्ड ब्रश से आप थोड़ा थोड़ा पेंट करें, आपको उससे स्ट्रॉन्ग और सडल टाइप सा ग्लो और अच्छा मिलेगा। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ रिम लाइट नहीं क्रिएट होती है वहाँ ना करें, जैसे आपने ईयर पे कर रखी है, अंदर ईयर के कभी रिम लाइट नहीं आ सकती। सो आपने अंदर भी पेंट कर रखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। और यहाँ पे जब आप रिम लाइट क्रिएट कर रहे थे तो ये स्ट्रिप्स जो हैं, जो नॉट क्रॉसिंग वाली हैं येलो कलर की, क्राइम सीन वाला, तो उस पर भी पेंट होगा क्योंकि वहाँ से लाइट वहाँ तक भी आएगी। जब आपके गन तक आ सकती है तो वहाँ तक भी जा सकती है, सो इसका ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं, अली हमजा। सो भाई का मुझे फ़ोटो बहुत ही एंटीक लगा, जो आफ्टर एंड बिफोर था मैंने देखा था। सो आप भी देख सकते हैं, आपने बहुत अच्छी ब्लेंडिंग क्रिएट कर रखी है जो मुझे बहुत ही पर्सनली माय बेस्ट लगी। और आप टोनी मैफर्ड के कलर से ज़्यादा इंस्पायर्ड लगते हो मुझे, तो आप वो थोड़ा और अच्छे से अचीव करें, लाइक ग्रेन्स डाल के और थोड़ा सा रफनेस ऐड करके आप वैसा लुक अचीव कर सकते हैं ईजिली, और बहुत ही अच्छा होगा। और आपने बहुत ही अच्छा ब्लेंड क्रिएट कर रखा है, मुझे ऐसा लगा कि आपने पार्ट लिया। सो नेक्स्ट फोटो की बढ़ते हैं, अमित एडिट्स। सो यहाँ भाई ने कैलोप का ग्लो ट्यूटोरियल सा यूज़ कर रखा है, जो मैंने बहुत पहले कंसेप्ट क्रिएट भी कर रखा है, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके चेक भी कर सकते हैं। लाइक ही ग्लो कर रखा था मैंने जस्ट हैंड पे है, तो यहाँ पे जो आपने ग्लो क्रिएट कर रखा है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप वो पड़े हुए आइकन्स में भी थोड़ा सा ग्लो ऐड रखते तो वो भी अच्छा लगता और अलाइव रहता वो पिक्चर को। और जब आपने ग्लो क्रिएट कर रखा है तो बी श्योर कि आप एक लट भी यूज़ करें डे टू नाइट, उससे क्या होगा कि आपकी इमेज बहुत अच्छे से वो हो जाएगी, ब्लेंड होएगी नाइट सीन में। अभी आपका डे सीन लग रहा है मुझे, उस टाइम नाइट सीन लगेगा और वो अच्छे से पॉप होके ग्लो आएगा। सो ये कंसेप्ट को ज़रूर समझे, अंधेरे में ही रोशनी चमकती है। सो ये कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा और इसी पर फोकस करें, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसके बाद अमित जोया का जो कंसेप्ट है वो फ़ोन से ट्रेन वाला है, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि आपने एक नाइसली एक कट निकाल रखा है उसमें, बहुत ही प्यारा लगा वो मुझे देख के। और आपने यहाँ पे अमित एडिट्स का लोगो भी लगा रखा है, सो मेरे को लग रहा है कि आपकी ये दोनों पिक लाइक मैं कन्फ्यूज़ था लेकिन मुझे दोनों अच्छी लगी, सो दोनों बेटर हैं।
और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप मोशन ब्लर ऐड कर देते एंड में टेल पे जो उसका था, क्योंकि आपके पूरे सीन में मोशन ब्लर आ रहा है, तो मोशन ब्लर के साथ मोशन ब्लर भी जाएगा। आपने ट्रेन में कोई मोशन ब्लर नहीं डाला है तो उसकी वजह से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इमेज पे। सो जरूर चेकआउट करें, और जब भी करें तो नेल्स जरूर काट लें फोटो के कह रहा हूँ अपने, ताकि वो फोटोज में ना आए। फिर अमित मिश्रा आते हैं। अमित मिश्रा का मुझे ये कंसेप्ट सही लगा, और लाइक ये मैंने कंसेप्ट पहले भी क्रिएट कर रखा था। आपने मास्क अच्छा चुना है और अच्छा ग्लो भी हो रहा है, लेकिन वो फेस के साथ ब्लेंड नहीं है। इन सेंस मैं बताऊं आपको कि आप अब देख सकते हैं अल्ट्रा लेवल पे जाके कि आपका मास्क ज़्यादा शार्प है और आपका फेस ब्लर टाइप है। तो इसमें ये नहीं होता कि आप ओवर एडिट कर दें इमेज को, इसमें ये होता है कि आप मास्क के ऊपर एक गॉसियन ब्लर 2 रेडियस का या 3 रेडियस का डालें, उससे ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सो ब्लर से कई लोग डरते हैं, लेकिन चेक करें जरूर। फिर आते हैं अवी क्रिएशंस। अवी क्रिएशंस का मुझे एक कंसेप्ट सही लगा, बहुत ही अच्छा था, और लाइक ये बीजी मैंने यूज़ कर रखा है पहले भी। सो आपने यहाँ ग्लो क्रिएट कर रखा है जॉर्डन, और उसका लाइट का जो पार्ट होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके यहाँ ने इन पे आ रखा है जो आपने मास्क पहन रखा है, तो ये थोड़ा अच्छे से नहीं आया। आपने जस्ट ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन उसे फैदर भी करना होता है। आपने फैदर करा ही नहीं है किसी चीज़ को, तो यहाँ से आप जब फैदर करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। और पीछे की भी रिम लाइट को क्रिएट करें, आपने आगे की तो कर दी, लेकिन पीछे में भी वर्क करना होता है थोड़ा। आपकी टर्बन के साइड पे वो रिम आएगी, थोड़ा साइड में आएगी, और जो आइज़ में आपने लेंस लगा रखे उसे थोड़ा 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 पॉप ग्लो करें, तो उससे आइज़ कैची लगेंगी, और जब आइज़ कैची लगेंगी तो आपका फोटो में अटेंशन और ग्रैब लाइक्स फॉलोअर्स सब आएंगे। सो आपका काम अच्छा था ब्रो, आप और अच्छा कर सकते हैं इससे। सो नेक्स्ट आते हैं भावेश ग्राफिक्स, और इनका कंसेप्ट है लाइक फोटो फ्रेम के सामने है और जस्ट एक किसी मैन का पोर्ट्रेट बाहर आ रहा है उस इमेज से, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ब्रो आपको थोड़ा वर्क करना है शार्पनेस के ऊपर। आप शार्पनेस बहुत ज़्यादा डाल दे रहे हैं, अनशार्प मास्क यूज़ करें उससे कम करें, या सॉफ्टन यूज़ करें, ल्यूमिनेंस यूज़ करें, उससे आपके थोड़ी शार्पनेस कम होगी। और डिटेल्ड ऐसे नहीं बनती है इमेज ओवर शार्प करके, डिटेल्ड बनती है उसमें चीज़ों को अच्छे से क्लैरिटी दे के। सो इस चीज़ का ज़रूर डिफरेंट नोटिस करें आप जब भी एडिट करें। फिर आते हैं नेक्स्ट देवराज शर्मा 10। ब्रो आपका मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, पिछली बार भी एक एंट्री आई थी इस चीज़ पे लाइक सॉफ्ट एडिट पे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, और इस बार भी आपने भेजी है। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आपने बहुत ही फ्लैट कलर ग्रेड कर रखा है अपने आप को। आप सेलेक्टिव कलर यूज़ करें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप पिक्सआर्ट में हैं तो कॉन्ट्रास्ट जरूर यूज़ करें, कॉन्ट्रास्ट आपका और बैकग्राउंड का अच्छे से मैच नहीं हो रहा है तो आप मैचिंग पे भी पूरा ध्यान रखें। लाइक ये देख सकते हैं आप हेयर की तरफ, और कटिंग नहीं सही है, कटिंग को भी थोड़ा सही करें। मैंने ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं, आप चेक करेंगे तो आपको आ भी जाएगा अच्छे से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, आई एम पूर्णा, और ब्रो आपने क्रिएट कर रखा है ये मून के साथ कंसेप्ट। तो मून थोड़ा सा ग्लो होता है, और वो येलो ग्लो नहीं होता जब आपका स्काई ब्लू रहता है, तो वो हमेशा वाइट ग्लो करता है। सो एक ये चीज़ को आप थोड़ा नोटिस करें, और जब भी आप वहाँ पे जाएं मून को पुट करने तो उसका सैचुरेशन पूरा डाउन कर दें और लाइटनेस अप कर दें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और रिम लाइट भी आपने बहुत अच्छी राइडर पे क्रिएट कर रखी है, लेकिन बाइक पे वो मिसिंग है, माइक पे भी रहती तो KTM का जो शीशा रहता है उसके ऊपर भी पड़ती, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखें और उसे नोटिस करें। यहाँ पे जो ये शीशा आपको दिख रहा है, ये शीशा जो इनविजिबल हो गया फ़ोटो में से, तो ये आता और तब क्रिएट होता है यहाँ पे सही से। रिम लाइट यहाँ आपने इसके मिरर पे कर रखी है, लेकिन इधर नहीं, तो यार ये थोड़ा सा बैड लगा मुझे। आप वर्क कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रो इट्स एश ऑफिशियल। ब्रो पिछली बार भी कॉन्टेस्ट में आया था और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे आपका लाइक कंसेप्ट देख के, और इस बार भी आपने बहुत ही अच्छा साइबर पंक का कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है जो मुझे प्यारा लगा। खुद ही
अपने वर्डिंग में बताऊं तो यार, और जब आप क्रिएट करते हो कुछ ऐसा कंसेप्ट, तो इसमें जरूर ग्लोज डालो उस पार्ट पार्ट में जहां भी आप कटिंग कर रहे हो। लाइक जैसे आपने हैंड में डाला है, तो यहाँ सर्कल में थोड़ा सा ग्लो डाल दो, वो और साइबर पंक की फील देगा, ठीक है। और यहाँ आपने थोड़े से कटिंग में मिस हो गए हैं, यहाँ पे आपके हैंड के पास थोड़ी सी कटिंग मिस है, तो उसे ज़रूर चेकआउट करें और अच्छे से क्रिएट करें, ठीक है। और ये वाली फ़ोटो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसमें बहुत कम मिस्टेक्स हैं आपकी। और ये नेक्स्ट जो आपकी थी लाइट सेवर, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने दोनों इसलिए रखी थी कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मैं वो बताना चाहता था सबको कि वो सीख जाए और आपकी भी इम्प्रूव हो फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी करना एडिटिंग। सो जब आप यहाँ ऐसे रेम लाइट क्रिएट करते हैं, तो वो कभी यहाँ फेस पे डंप नहीं पड़ती है, मतलब जैसे आपने क्रिएट कर रखी है ना, ये बिल्कुल लाइट पड़ती है, लाइक जैसे आपके बॉडी से आ रही है। मैं दिखाता हूँ, जैसे यही कलर है, तो यही कलर यहाँ नोज़ पे आएगा और यहाँ चिन पे आएगा, क्योंकि बहुत नियरेस्ट पार्ट है, अराउंड इतना भी बड़ा नहीं होगा। तो वो चीज़ को जरूर नोटिस करें, और ग्लो उतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा जितना नीचे से ऊपर आता है। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें और ग्लो अच्छे से क्रिएट करें। आपने बहुत ही अच्छा ग्लो क्रिएट करा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी फ़ोटो देख के। सो नेक्स्ट आते हैं जे आर एडिट्स। ब्रो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, आपने लाइक फर्स्ट कंपटीशन से भी पार्ट लिया है पीसी में। सो आपका कंसेप्ट इस बार बहुत ही अलग है और अच्छा लगा मुझे टाइगर के साथ देखकर। और जब आप फेस अपना डालते हैं, तो लाइक फेस पे ये वाइट वाइट से हो रखे हैं, मतलब ये वाइट वाइट नहीं, लाइक पसीने के साइन होंगे ये, लेकिन उसे आप रिमूव कर सकते हैं जाके ब्लेंड मोड। जब आप उसे हटाते हैं पिंपल्स को, तो उसमें लाइटन मोड सेलेक्ट करें और फिर क्लिक करें, तो उससे वो सारे वाइट वाले हट जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे, या उसे स्पॉट हीलिंग से भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये ज़रूर टिप है, क्योंकि जब आप क्लोज पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका स्किन और फेस बहुत अच्छा दिखे। सो बहुत अच्छी थी आपकी एंट्री। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नेट एडिशन ऑफिशियल है ब्रो। आपका मुझे कंसेप्ट सही लगा, लेकिन इसमें आपने हेयर की कटिंग बहुत ही लाइक वियर्ड तरीके से कर रखी है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आप इसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एडिटिंग बहुत ही अच्छी है, बैकग्राउंड से मैचिंग और सेपरेशन और शेडो भी आपने बहुत ही हद तक अच्छी बनाई है। सो आप हेयर पे वर्क करें और लाइक लाइंस भी ड्रॉ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। सो अच्छी फोटोज है आपकी। और नेक्स्ट है निंदा मानकर ग्राफिक। ब्रो वेट, भाई की फोटोज थोड़ी लेट खुलती है। तो यहाँ ये भाई ने कंसेप्ट कर रखा है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर्सनली दी बेस्ट लगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने बहुत ही अच्छे से स्मूथ इफेक्ट यूज़ कर रखे हैं, और जहाँ भी आपने डाला है वहाँ थोड़ा थोड़ा ब्लर है, कि एक मोशन क्रिएट हो रहा है उसमें, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा मोशन देख के। और लाइक आपने स्पेक्टिकल्स में भी मोशन ब्लर, आपने बुक में भी मोशन ब्लर डाल रखा है, तो ये बहुत ही इनोवेटिव और अच्छा लगा। और जो फॉलिंग चेयर है, वो भी यार बहुत ही ग्रेट आपने मोशन ब्लर डाल रखा है। सो इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी, जस्ट कमी थी तो वो थी कि मैं देख नहीं पाया अपनी फील्ड में। ज़रूर ब्रो मैं आपको चेक करूँगा, और पर्सपेक्टिव का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी विंडोज़ थोड़ी सी लाइक ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे है वो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है पिक्सल स्नैप ब्रो। भाई है इंडियन टोनी मैफर्ड। ब्रो की पिक बहुत ही अच्छी है और सॉलिड है, जो मुझे लगती है, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो। और जस्ट आप थोड़ी सी चीज की कमी कर रहे हो, वो है कॉन्ट्रास्ट से लुक, जो मुझे चाहिए होता है। लाइक ब्लैक और व्हाइट आपके प्रॉपर बैलेंस्ड होने चाहिए जब आप टोनी मैफर्ड की इमेज देखोगे। सो आपको वहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं कॉपी करो, लाइक रेफरेंस लेना चाहिए और समझना चाहिए कि बैकग्राउंड को कैसे बैलेंस करें, और फिर क्रिएट करें आप आर्ट, और मुझे जरूर टैग करें, मैं जरूर चेक करूँगा, आपकी इमेज बहुत ही अच्छी होगी। सो नेक्स्ट है क्वांटम एक्स। क्वांटम एक्स का भाई कंसेप्ट मुझे कुछ लाइक यूनिक टाइप सा नहीं लगा, लेकिन
आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखी है और हेयर कटिंग भी आपकी अच्छी है इसलिए आपकी पिक सेलेक्ट करी थी मैंने। और जस्ट ब्लेंडिंग जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप चेक करें कि आपके पीछे से लाइट आ रही है, जब आपके पीछे से लाइट आ रही है तो रिम लाइट क्रिएट होती है और आपके फ्रंट फ्लैश फोटो यूज़ नहीं होती है, आपकी डे लाइट फोटो यूज़ होती है। तो आप इसका लाइक बैलेंस समझें कि आप फोटो और बैकग्राउंड को कैसे मैच करते हैं, तो इस पर जरूर वर्क करेंगे तो आपका आर्ट और भी अच्छा इम्प्रूव होगा और होप आप अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं राहुल समाल 18 ब्रो, भाई आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को मैच कर रखा है, आपकी टोनिंग फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से बहुत अच्छी मैच हो रही है, आपने जो एक लेंस फ्लेयर डाल रखी है अपने इस वाले हाथ पे तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लाइक रियल नहीं लग रही है कि वहाँ से लाइट आ ही सकती है, वहाँ कुछ आप सोर्स रखें लाइक लैम्प बल्ब कुछ भी रखें लाइक लॉजिकल थिंग, तो उससे बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा पर्सन पे जो वॉच कर रहा है आपकी फ़ोटो को, तो इससे रियलिज्म भी अचीव होगा और आपको फेक कुछ भी नहीं डालना होगा इमेज में, आप बहुत ही अच्छे वे में हैं, लाइक आपकी एडिट बहुत ही अच्छी जा रही है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें और इसे इम्प्रूव करें। सो नेक्स्ट आते हैं सैफ खान, भाई आपका कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो भी आपने ये डाल रखा है लाइक स्माइली और फिर हैंगिंग का, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और आपने इसे बहुत वेल एग्जीक्यूट कर रखा है, आपने कटिंग बस यहाँ पे ख़राब करी है जो आपके फिंगर्स है, थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग पे ध्यान रखे और जैसे आपने एक लेंस फ्लेयर डाल रखे अपने हेयर के यहाँ साइड पे तो उसे थोड़ा कहीं और रखें प्लेस, लाइक बिल्कुल ही सर में ना दबा दे, थोड़ा साइड से आते हुए अच्छी लगेगी। और जस्ट जब आप सन भी पुट कर रहे हैं तो उसे लॉजिकल वे में पुट करें जो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके कंसेप्ट में कोई कमी नहीं लगी मुझे। और लाइक जो आपने हैंगिंग्स डाल रखे हैं इसमें थोड़ा ब्लर भी रखें लाइक एक एक ब्लर ब्लर तो फिर और ही अच्छा एक ओरिएंटेशन क्रिएट होगा। और आपको ध्यान रखना होगा एक गोल्डन रूल का, गोल्डन रेशियो आप चेक कर सकते हैं नेट पे, उसके बारे में आप स्टडी करें आपकी इमेज और अच्छी हो जाएगी। ये हिडन टिप आप जाके चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं संधु एडिट्स ब्रो, ये पर्सनली मैंने भी खुद भी क्रिएट कराया ऐसा कंसेप्ट, लाइक गैलेंस वर्ल्ड ने बनाया था ये कंसेप्ट मैंने वहाँ से यूज़ करा था, लेकिन आपकी जो शेडो है जो आप उस पे पोस्ट पे गिर रही है लाइक वाइट वाले पे, मैं दिखा देता हूँ ये वाली पोस्ट पे, तो आपने डायरेक्ट बस शेडो ही पुट कर दिया वहाँ पे, उसमें गॉजियन ब्लर कुछ भी नहीं डाला है, तो गॉजियन ब्लर ज़रूर डालें, गॉजियन ब्लर की प्रैक्टिस रखें, वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और ये इमेज और भी नेक्स्ट लेवल लग सकती थी अगर आप यूज़ करते तो। और बैकग्राउंड पूरा ही ब्लर मत कर दो ब्रो, पूरा ब्लर करने से डिटेल लूज हो जाती है और अच्छी नहीं लगती है, फ़ोटो फेक लगती है, तो फेकनेस नहीं चाहिए, हमें रियलिज्म चाहिए, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और इसे इम्प्रूव करें, ठीक है। नेक्स्ट है संजय पटेल NS, भाई का लॉयन के साथ कंसेप्ट है और ये मुझे बहुत ही रियलिज्म और अच्छा अचीव लगा, लाइक ये किसी एक इंस्टाग्रामर ने कर रखा है अपने वुल्फ के साथ, आपने वही कंसेप्ट भी यूज़ कर रखा है, लेकिन उसका नाइट में था आपका डे था, थोड़ा सा डिफर है, लेकिन बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग, मास्टर ब्लेंडिंग कर रखी है आपने, लेकिन फेस पे आप डॉजन बर्न यूज़ करें, स्किन स्मूथनिंग ना यूज़ करें, स्किन स्मूथनिंग आपके इमेज को ख़राब कर देता है और इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लाइक फ्रीक्वेंसी भी आप एक सेकंड के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्किन स्मूथनिंग कहीं भी अच्छी नहीं है, इस पर ज़रूर वर्क करें और आपकी इमेज टेक ऑफ नेक्स्ट लेवल। फिर नेक्स्ट आते हैं संजय सविता प्रो, आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी एंड मास्टर है और मुझे कोई कमी नहीं लगी इस इमेज में, जस्ट आपने शेडोज़ नहीं क्रिएट कर रखी हैं इसमें, पूरी फ़ोटो बहुत ही अच्छी है, जस्ट आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपका जो शू है जो पानी से टच हो रहा है तो वहाँ रिपल्स बनते हैं, रिपल्स भी आपको डालने थे, ठीक है। और जो आपने हाथ रखा है उसके नीचे शेडो भी आती है, तो शेडो आती तो यार और रियलिस्टिक और कोई फेक नहीं बोल पाता इस इमेज को, और थोड़ी पिंक टोन से हट के लाइक ऑरेंज ट्राई करें या लाइक मैजेंटा टाइप ट्राई करें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रॉन्ग मैजेंटा टाइप लाइक ये पिंक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, मुझे थोड़ा सा ऑक लगता है। आपकी इमेज बहुत ही अच्छी थी। और नेक्स्ट है सनत
सनी ऑफिशियल ब्रो, आपके पिक थोड़ी ओवर शार्प्ड है अगर मैं चेक करूँ तो। आपने बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर रखी है आइलैंड्स, और जो भी बैकग्राउंड की आपने चीज़ें कर रखी हैं, आपकी कटिंग भी बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छा लगा ये देख के। और जो आप आई में यूज़ करते हैं वो लेंस अच्छे से क्लियर करके यूज़ करें। सो आपके यहाँ सॉफ्ट ब्रश से पेंटेड दिख रहे हैं, तो इस पर जरूर वर्क करें और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। नेक्स्ट है शेख फैजान ब्रो, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और प्यारा है। लाइक आपने मून के पास करा है, लेकिन मून की पीएनजी आप थोड़ी अच्छी सी चुने और मून में थोड़ा ग्लो डालें। मून नीचे से ग्लो नहीं होता है कभी। सो ये थोड़ी लॉजिकल मिस्टेक्स को जरूर चेकआउट करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एस के एडिट ऑफिशियल ब्रो, आपका काम बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। शायद आप पिक्सआर्ट पे करते हो और आपने बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल रखा है अगर आप पिक्सआर्ट पे भी करते हो तो। सो थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रास्ट अप्लाई करें, क्योंकि बैकग्राउंड में आप चेक कर सकते हैं ब्लैक लेवल मैच करना। तो आप अगर नेट पे पढ़ेंगे ब्लैक लेवल कैसे मैच करते हैं, तो वो चीज़ आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मैच करने में हेल्प करेगी। सो ये आपके लिए प्रो टिप है, आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद नेक्स्ट है सौरभ वर्मा, और इनका कंसेप्ट ये वाला है, और मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। वो है कि आपने गिटार अच्छे से कट नहीं कर रखा है, यहाँ पे उसके नॉब्स अच्छे से कटेड नहीं है, वो थोड़े मुझे खटक रहे हैं, और आपके हाथ पे पूरी सॉफ्ट मिक्सर ब्रश चल रखा है। सो यार मिक्सर ब्रश को थोड़ा त्याग दो और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की तरफ बढ़ो, वो आपको हेल्प करेगा। और हेयर्स में भी अप्लाई मत करो स्मज। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप अच्छी चीज़ को अडेप्ट करो, वो आपको आगे चल के बेनिफिट करेंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं सोहेल पीएसटी की तरफ ब्रो, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा, और जो पेपर्स उड़ रहे हैं, जो आपके हाथ में पेपर हैं, वो मैच हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये इमेज बहुत ही अच्छी लगी आपकी। और आपका वर्क भी सही लगा मुझे, लाइक ब्लेंडिंग इसमें बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने आपकी फ़ोटो सेलेक्ट करी। थोड़ा आप वर्क करें अपने स्किन रिटचिंग, थोड़ा शेप साइजनिंग, और शर्ट पे रिंकल्स हटाना, ये सब जरूर चेक करें, ये आपको हेल्पफुल करेंगे और आपके आगे मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं टैप फॉर एडिट ब्रो, आपका कंसेप्ट बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला, और इसमें आपने बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखे हैं। नीचे शूज़ वूज अच्छे से ब्लेंड हैं ज़मीन से, क्योंकि आपने कट आउट कर रखा है, लेकिन जब आप एज कट करते हो तो एज पे भी एक ब्लर आता है। अगर मेरा पोर्ट्रेट यहाँ पे खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे भी हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्लर हूँगा, तो वो थोड़ा सा ब्लर जरूर डालें गॉसियन से। सो इससे आपकी रियलिज्म और अच्छी इम्प्रूव होगी। सो बढ़िया इमेज थी इस बार, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर नेक्स्ट है विकी सेज ब्रो, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है मून और हॉर्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा ग्लो पे ध्यान दें। ग्लो जब क्रिएट होता है तो बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती है, सो उस पर जरूर वर्क करें। आपका ग्लो लालटेन में अच्छा नहीं है, लेकिन बाय द वे पूरी इमेज बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सो नेक्स्ट है विग्नेश एडिटर ब्रो का कंसेप्ट है सेव ट्री, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब भी आप ये टेक्स्ट ऐसे लिखते हैं तो उसे कैलीग्राफी फॉन्ट में यूज करें, उससे क्या होगा कि आपके लाइक राइटिंग में लिखा आएगा तो वो राइटिंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है, लाइक मैनुअल टेक्स्ट से बेटर रहता है, ठीक है। और जो आपने ये ट्रीज की ब्रांच निकाल रखी है अपने शरीर से, तो इन पे आप बर्न टूल का यूज करें। बर्न से क्या होगा, थोड़ी ब्लेंडिंग अच्छी क्रिएट होगी, और उन टहनियों के पीछे भी थोड़ा सा बर्न टूल यूज करेंगे तो वो प्रॉपर ब्लेंड होंगे और अच्छे लगेंगे। और हमिंग बर्ड की इमेज कभी भी ऐसी क्रिएट नहीं होती है जैसे आपने कर रखी है उसके पिक में, वो लाइक विंग्स में हमेशा मोशन ब्लर रहता है, हिलते रहते हैं, और वो बहुत फास्ट रहते हैं। लाइक कैमरे के लिए भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, तो आप जरूर एक पिंच सा मोशन ब्लर यूज कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था। और फिर नेक्स्ट आते हैं विवेक विजुअल्स ब्रो, आपकी फोटो ये शायद फोटोशॉप पे भी फीचर्ड हुई थी, शायद मैंने देखी थी। सो आपका काम बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला देख के। लाइक आपने बहुत ही अच्छे से आउटलेट कर रखी हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी ब्रांच में मुझे कटिंग्स थोड़ी सी ऑफ लगी हैं, क्योंकि लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ब्रांच अगर थोड़ी थोड़ी बाहर भी पॉइंट होती हल्की हल्की तो भी सही रहता, लेकिन लाइक आपका काम है ब्रो, आपको जैसी इमेजिनेशन आपको अच्छी लगती है आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं।
और लाइक ये जैसे आपने छोटी छोटी टहनी यूज कर रखी है तो उसे भी बाहर की साइड अगर पॉइंट करते तो वो भी अच्छा लगता। और यहाँ मॉडल भी आपने सही से यूज कर रखा, और लाइक ये बटरफ्लाई यूज कर रखी है, इनमें मैं हमेशा ग्लो डालता हूँ तो शायद आपको ग्लो अच्छा लगता हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपकी इमेज बहुत ही बेस्ट थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो यहाँ रैप अप करता हूँ मैं अपने PEC 4 को, और यहाँ अगर मैं कुछ बताऊंगा आपको, प्रो टिप दूंगा, और जो मैं फोटोज में सब में नोटिस करी है वो है कि आपको अपनी स्किन के साथ इसमें स्मूथनिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। मिक्सर ब्रश लाइक काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ वो करके दे देगा। मिक्सर ब्रश यार एक लाइक ऐसी चीज़ है जो आपको दिन पर दिन थोड़ा आलसी बनाता जाएगा। मिक्सर ब्रश को इसलिए इग्नोर करें और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या डॉजन बर्न को प्रैक्टिस करें, वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। और जितने भी लोगों ने PEC 4 में पार्ट लिया और विनर है, सो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें बताओ कि इंस्टाग्राम पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं तो वो भी लेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ विनिंग प्राइस भी रखने के लिए, सो उससे थोड़ा लेवल अप हो जाएगा कॉन्टेस्ट। सो होप, और 20K फॉलोअर्स होने वाले हैं, सो फर्स्ट QA, सेकेंड QA आने वाला है। सो गेट रेडी विद क्वेश्चंस ब्रो, सबके क्वेश्चंस मैं रीड आउट करूँगा, और मैक्स टू मैक्स सोचता हूँ मैं कि जरूर रीड आउट करूँ। सो जरूर पार्ट लें QA में, और 20K फॉलोअर्स हो जाए बस, होप सो।